नाउ विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहा था कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ, वी आर नॉट जस्ट ब्रेव इनफ टू गो आउट देयर टू टेक सम विकेट्स एंड टेक सम रन्स एंड टू टेक सम रिस्क. He was admitting that. It's very nice of this guy, you know, to talk about his shortcomings of his team. You know, it was very sad with the mind. It's like, it's not good for the World Cup. It's not good for, you know, India. You know, मैंने पहले ही आपको कहा था, ये तो फीका पड़ जाएगा World Cup अगर हिंदुस्तान बाहर निकलता है तो. You know, कहाँ हिंदुस्तान being a World Champion now, कि जी हम World Champion में पाकिस्तान को मार देंगे जान से और ये कर देंगे वो तो all of a sudden that India is exiting now. So you don't see that everything comes to, you know, haunt you. So this is not right. I think कि अभी दुआ करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाए. अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान तीन मैच जीत गया तो देखें जी कि ये टीम क्रूज थ्रू कर सकती है. इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान बुरा खेला है, एज एक्सपर्ट हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो शॉर्टकमिंग थी हम बुरा कह रहे हैं उसको, वो ठीक है. लेकिन वॉट इफ हिंदुस्तान यहाँ से क्रूज थ्रू करते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाती. याद रखिए न्यूजीलैंडर स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते. अगर राशिद खान 13वें ओवर से शुरू हो जाए और 20वें ओवर तक बॉलिंग करता रहे तो न्यूजीलैंडर से 125 भी चेज नहीं होना, दैट आई गारंटी यू राइट नाउ. और इसका ये मतलब है हिंदुस्तान का टूर्नामेंट खत्म हो गया. अगर हिंदुस्तान यहाँ से वापसी कर गई तो फिर आपको सीधा ही फाइनल में मिलेंगे ये. जी अब हम ऐसे यू नो मुकाम पर हैं कि अब हमें सिर्फ कैचअप खेलना है यहाँ से. अब बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हुए होंगे, यही हम नहीं चाहते थे, ताकि ये मैच जीत कर हम एक कमबैक कर सकें. जो सेटबैक लगा था हमें पहले मैच में, खैर वो हो नहीं पाया. अब बाकी के तीन मैचेस हैं जिसपे कॉन्सेंट्रेट करना है. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कैफ, कि आज अश्विन को खेलना चाहिए था जो आप बोल रहे थे, जो हमने टीम कॉम्बिनेशन बनाया था. और फिर मैंने वो जब उन्होंने कैमरा घुमाया रविचंद्रन अश्विन की तरफ, मैंने उनका 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 चेहरा देखा. आज अश्विन का खेलना कितना ज़रूरी था? अश्विन का खेलना इस पिच पे ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि एक तो देखिए मैच जो हार रहे हैं वो हम बल्लेबाजी से हार रहे हैं. देखिए 110 रन तो अश्विन भी होते तो भी हम डिफेंड नहीं कर पाते. पर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि अश्विन बड़े गेंदबाज हैं, ये समझना पड़ेगा भारतीय टीम को, क्योंकि उनका जो रोल है ऐसी पिच पे जो आज का पिच था, इसका मतलब जो मैनेजमेंट ने पिच पढ़ नहीं पाए. ये पिच ऐसा था कि आप तीन स्पिनर भी खेल सकते थे, ऐसा नहीं अगर आप अगले पिच देख रहे हो न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर पे हम उनको फंसा सकते. तो ये पिच ऐसा था कि यहाँ बैक टू बैक मैच हुए, कल हुआ था, आज पिच स्लो दिखा. हाँ इस सोडी अच्छी गेंदबाजी कर गए, सेट ने अच्छी गेंदबाजी कर गए, तो हम एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा सकते थे, वो विकल्प था. तो ये सब ये घूम फिर कि आप पिच को पढ़ना, पिच के जो शक्ल है सूरत तस्वीर है उसको देखना कि क्या बोल रही है. सेम बैटिंग में आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो जब एक बॉल पड़ता है कि ज़्यादा स्विंग हो रहा नहीं हो रहा, रुक के आ रहा, आप समझ जाते हो कि यहाँ विनिंग टारगेट क्या है. वो ऑन द डे कितनी भी मीटिंग में बात कर लो, कितना हम यहाँ बैठ के बोल लें, मेन निर्णय होता है जब रोहित शर्मा या ईशान किशन वहाँ पहुँचते हैं पिच पे, बॉल का बॉल कितना स्विंग हो रहा है, क्या यहाँ 140 पे मैच जीत सकते हैं, वो निर्णय फैसला करना होता है. तो उस हिसाब से आप जोखिम भरा शॉट मारना नहीं मारना, स्मार्टली खेलना, वो चीज़ें बाद में आती हैं. पर पिच पढ़ना, फिर टीम बनाना 11, वो मेन काम होता है.